शहरे गुलबर्गा, गुलबर्गा नॉर्थ में वोटिंग लिस्ट से 30,000 वोट को हटाने की ऑफिशियली जो बात चल रही है, तमाम सियासी पार्टी कॉर्पोरेशन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से डिमांड कर रहे हैं कि वो 30,000 वोट को लाया जाए और तमाम सियासी पार्टी के तमाम वर्कर और कायदीनों ने इस काम को बखूब अंजाम निभा रहे हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाहिद एक मुसलमानों की सीट है जो मुसलमान मुत्तहिद और इत्तेहाद के साथ उस सीट को दायम और कायम जमाने से रखे हैं, वो सीट के पर भी भारतीय जनता पार्टी की गंदी साजिश का शिकार बनने जा रही थी। लेकिन इसी के देखते हुए मद्देनजर यूनुस खान साहब केटीएस ने इलेक्शन आईडी कार्ड कैंप को 10 दिन के लिए शहर गुलबर्गा में आम किए हैं। मैं तमाम लोगों से शहर गुलबर्गा के अवाम से गुजारिश और अपील करता हूं कि आप अपने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डालिए और नाम करेक्शन कीजिए, और नए जो नौजवान मेरे भाइयों और साथी हैं, मैं उनसे भी अपील गुजारिश करता हूं, अपने भी आइडेंटिटी कार्ड बनाइए, क्योंकि हम तमाम लोग मुत्तहिद से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला गुलबर्गा नॉर्थ में हर जगह आपको करना है। अगर हम जब भी मुकाबला कर सकते हैं जब हम हमारे वोटिंग लिस्ट में नाम हो, हमारा वोट डालने का हकदार हो। मैं यूनुस खान साहब को मुबारकबाद देता हूं इस काम को अंजाम देने के लिए। वो आगे बढ़े हैं, वो बन सकती थी दूसरों की जिम्मेदारी, लेकिन यूनुस खान साहब ने बेहतर हालात को देखते हुए ये जिम्मेदारी का इस बेड़ा उठाए हैं। इंशाल्लाह ताला हम यूनुस खान साहब से खांधे से खांधा लगाकर इस काम को अंजाम देंगे। यूनुस खान साहब के ऐसे कई कारनामे और कई खिदमत शहर गुलबर्गा के अवाम के सामने है। अपनी सीट बचाने के लिए, मुसलमानों के इख्तदार अपने पावर को बचाने के लिए यूनुस खान साहब ने 10 दिन इलेक्शन और आईडी कार्ड का कैंप जो रखा है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं वो आइडेंटिटी कार्ड बनाने में आगे बढ़ चढ़कर अपने वोटिंग लिस्ट में नाम लाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर यूनुस खान साहब का साथ दें।